में एनसीआर की चर्चा के बीच राजस्थान में भी अवैध रूप से रह रहे पाक और बांग्लादेशी नागरिक सरदर्द साबित हो सकते हैं। राजस्थान आकर 78 पाकिस्तानी नागरिक भूमिगत हो गए हैं। इन पाक नागरिकों को न तो खुफिया एजेंसियां तलाश पा रही हैं और न ही प्रशासन के पास इनका कोई भी डेटा है। ऐसे में अंडरग्राउंड हुए पाक नागरिक प्रदेश के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। उधर दूसरी तरफ सजा पूरी करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो प्रत्यावर्तन के इंतजार में करीब 10 पाक नागरिक अलवर के डिटेंशन सेंटर में अभी भी बंद हैं। धार्मिक यात्रा पर राजस्थान आए 78 पाक नागरिकों की सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। पाक नागरिकों के संबंध में पिछली विधानसभा के आखिरी सत्र में विधायक कैलाश भंसाली के गृह विभाग से पूछे गए सवाल में हैरानी वाला खुलासा हुआ है। वो ये कि भारत आए 78 पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिन्हें इंटेलिजेंस भी खोज नहीं सकी। वहीं सिर्फ 16 भूमिगत पाक नागरिकों के लिए ही सर्च नोटिस जारी किया गया है। इधर राज्य की जेलों में अवैध घुसपैठ करने वाले 22 पाक कैदी बंद हैं। कई कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है और अब वो अपने वतन पाक जाने का इंतजार कर रहे हैं। अलवर की डिटेंशन सेंटर में भी 22 विदेशी नागरिक बंद हैं, जिनमें 8 पाक कैदी हैं, जबकि 10 दूसरे देशों के नागरिक हैं, लेकिन दूतावास लेवल पर उनका मामला लटका हुआ है। राज्य का गृह विभाग 3 सालों में आधा दर्जन बार पत्र लिख चुका है। अब तक राजस्थान से 7 साल में 395 बांग्लादेशी और पाक नागरिकों को प्रत्यर्पित किया जा चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, जो बसे तो हजारों की संख्या में हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ा केवल 295 ही बता रहा। इनमें जयपुर ज्यादातर जयपुर दक्षिण, जयपुर पूर्व और उदयपुर में बसे हैं। वहीं राज्य की विभिन्न जेलों, डिटेंशन सेंटर, सुधार गृहों में 44 बांग्लादेशी नागरिक बंद हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।